हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है राम नवमी के एक दिन पहले का दिन और सुबह का समय है। पूरा खाना होने के बाद शाम की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे मूंग और उड़द की दाल, वो जो कटोरी आपको दिखाई थी उस कटोरी से आधी आधी कटोरी लेके टोटल एक कटोरी मैंने ली है और इसे गला दिया अच्छे से वॉश करके। और मैं इससे बनाने वाली हूँ पूरियाँ, और ये पूरियाँ बनाऊँगी मैं शाम को। तो बस मैंने भिगो दी थी और अब ये है शाम हमारी। और यहाँ पे मूंग की दाल और उड़द की दाल का पानी मैंने निकाल दिया है और इसको अब हम पीस लेंगे मिक्सर में। और इसको पीसने के लिए इसमें हम मिलाने वाले हैं थोड़ी सी सौंफ, डेढ़ चम्मच के लगभग। वैसे तो इसमें कलौंजी होती ना, कहते हैं प्याज के दाने, तो वो मिलाई जाती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा वेरिएशन करके उसमें सौंफ ऐड कर दी है। और बस उसको मिक्सी में मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ रवा, मतलब सूजी ले रही हूँ मैं। वैसे मेरे पास रवा ख़त्म हो गया, रवा मतलब बारीक जो रहता है वो रवा, और मोटी जो रहती है वो सूजी। तो वो मोटी वाली सूजी है ये, अगर आपके पास हो तो आप रवा लीजिए। और उसमें 3/4 कटोरी मैंने मैदा मिलाया है और उसके बाद में मिक्सर जार में मैंने ये बारीक पीस के और उड़द और मूंग दाल का जो मिक्सचर है उसे ऐड कर दिया है। वैसे तो ये पूरियाँ सिर्फ उड़द दाल की बनती है, लेकिन उड़द दाल भी मेरे पास थोड़ी सी बची थी इसलिए मैंने मूँग और उड़द दोनों आधी आधी ली है। तो अगर आप बनाए कभी तो सिर्फ उड़द दाल की बना के देखिएगा। तो इसमें ऐड किया जाता है खाली नमक और कलौंजी, लेकिन मैंने साथ में लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। और साथ में डाला है 2 चम्मच घी का मोयन, और इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे, बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे इसका। तो डो तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा, ये सॉफ्ट ही डो बनेगा क्योंकि जब हम इसको 1 घंटा भिगो के रखेंगे तो ये फूल जाएगा और हमारा जो डो है वो टाइट हो जाएगा। और बस अब तैयार है और अब हम इसको ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। और देखिए 1 घंटा रखने के बाद में ये अच्छे से फूल गई है सूजी, और देखिए कितना टाइट डो हो गया है हमारा। इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और बस अब पूरियाँ बनने के लिए हमारा डो तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे अच्छे से फिर से एक बार नीट करेंगे, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं हाथों में, क्योंकि इसमें उड़द और मूंग की दाल है तो थोड़ा सा चिपकता है, इसलिए इसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम पूरियाँ बनाएंगे इसकी। तो पूरियाँ बनाने के लिए हमें जो पिठी रहती है सूखा आटा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक प्लास्टिक की हेल्प से या बटर पेपर की हेल्प से इसे बेलेंगे। और सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे, बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनती है ये। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इसमें नमक और कलौंजी ऐड करके और फिर बनाइएगा। और अगर एक बार आप ऐसी बना के खाइए, उसके बाद आप जो चाहे वो इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये पूरियाँ, थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। और जैसे कि अभी सारी चीज़ें ख़त्म होने के लिए तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो कभी ये वाली पूरियाँ आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो पुदीने की चटनी के साथ या सूखी लहसुन की चटनी के साथ या सॉस जिसके भी साथ चाहे आप, अचार के साथ, बहुत ही बढ़िया बनती है। बहुत इजी नाश्ता भी है ये, आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं इसे शाम को खाने के समय, डिनर के समय बना रही हूँ। बस ऐसे ही एक एक करके हमें सारी पूरियाँ बेल लेनी है और तलनी है। तो बस ऐसे मैं सारी पूरियों को बेल लूँगी।
और ये देखिए अब मेरी सारी पूरियाँ बन के तैयार हैं और साथ ही साथ मैं सर्व भी करती गई थी। और अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे छोटे से गार्डन की सफाई और उसमें गुड़ाई करनी है मुझे, खाद डालनी है और साफ़ सफाई करनी है, थोड़ा सा उसको रीअरेंज करना है। तो ये जो मेरा मनी प्लांट था ये इस तरफ मुझे काफ़ी दिनों से इसको दूसरी साइड करना था तो अब मैं उसको हटा रही हूँ वहाँ से और बहुत फैल गया था नीचे, तो बस हमको बीच बीच में से ऐसी सफाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा चेंज अगर हम कर देते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखना। तो सारे प्लांट्स को मैं अब थोड़ा सा चेंज ला के अरेंज कर दूँगी, उनको अच्छे से सेट कर दूँगी और साथ में गुड़ाई भी करती जाऊँगी और खाद भी डालूँगी इसमें। आज हम लोग अंदर जितने भी गमले हैं उनकी गुड़ाई और खाद डालने का काम कर रहे हैं और बाहर जो हमारा जो गार्डन जाली लगी हुई है, जो स्पेस है हमारा, उसमें जो पौधे लगा रखे हैं उसको मैं अगले दिन करने वाली हूँ। और बस इस तरह से सारी सफाई करूँगी इसको और फिर से अरेंज कर दूँगी। तो ये देखिए आप मेरे गार्डन की हालत, सब इतने बेतरतीब बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था बीच में, क्योंकि ये गमले उठाने में रखने में हेल्प लगती है जो हम अकेले नहीं कर पाते हैं, तो जब तक दोनों साथ ना हो तो ऐसे काम नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है ऐसे जो भी काम आपके घर में निकलते हो उसे करने का, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए और अपने अपने घरों के काम निकालिए फटाफट और अच्छी खासी हेल्प ले लीजिए अपने अपने हस्बैंड से। तो बस अब मैं भी वही कर रही हूँ, सारे गमले मैंने निकलवा लिए हैं और यहाँ पर बैठ के उसकी गुड़ाई कर रही हूँ और साथ ही साथ उसमें खाद भी डालती जाऊँगी। तो ये सारा काम मेरा हो चुका है और फाइनल काम है अब ये सफाई का। तो बस बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत दिनों से कोई पेंडिंग काम होता है और उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही रिलैक्स लगता है। तो बस आज मुझे वैसा ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से बहुत सारा काम जो टल रहा था वो आज हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया है ऐसा मुझे लग रहा है। तो बस ये सफाई हो जाएगी मेरे गार्डन की छोटे से और बहुत अच्छा लगता है देख के। मैं फिर से आपको इसका व्यू पूरा जमने के बाद वाला दिखाऊंगी अपने अगले ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने देखा कि मेरा ये ब्लॉग जो है रात में ही स्टार्ट हो गया था, रात को मैंने उड़द की पूरी बनाई थी और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और आज है रामनवमी। तो बस आज सुबह जल्दी उठ के हमने हमारे गार्डन की सफाई की, बहुत सारा काम हो गया था उसमें करने के लिए और उसमें खाद डालनी थी, गुड़ाई करनी थी, वो सब करने के बाद नहाने के बाद फिर हमने पूजा की भगवान की और आज है व्रत। तो आज भी मैं कुछ स्पेशल सा बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ फरियाली चाट। तो एक बार आप जरूर उसे ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे कैसी बनी है। तो फिर चलिए बनाते हैं फरियाली चाट। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फरियाली चाट बनाने के लिए। तो उसके पहले सारा जो भी सामान चॉपिंग का होगा वो मैं पहले बाहर निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया, मिर्ची और अदरक निकाली है और ये देखिए ये मेरा जो धनिया है ये वही धनिया है जो मैंने लास्ट जो वेजिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक व्लॉग में डाला था उस समय जो धनिया था ये वही धनिया है। तो आप खुद काउंट कर सकते हैं कि मैंने जिस दिन वो व्लॉग डाला था
उस दिन को भी कितने दिन हो गए और वो व्लॉग भी मैं तुरंत नहीं डाल पाई थी, 4-5 दिन पहले ही वो बन के तैयार हो गया था। तो देखिए इतना जो पुराना धनिया है मेरा अभी तक बिल्कुल हरा है, आप देख सकते हैं। और ये मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी मिर्ची, हालांकि ये वो नहीं है शायद, ये बाद में लाई थी मैंने, पर धनिया वो ही है क्योंकि उसके बाद मैंने धनिया लिया ही नहीं, बहुत सारा धनिया आ गया था। तो बस ये लास्ट मेरा बैच था धनिये का और इसके बाद में अब धनिया ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, बस अब हरी मिर्ची और अदरक बचा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब चीज़ें हैं उसी में हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दिन निकाल लें, और शायद सभी लोग ऐसा ही कर रहे होंगे कि जो है हमारे पास पहले उसे ख़त्म करें फिर मार्केट से नई चीज़ लेने की सोचे। तो बस ये एक लास्ट ककड़ी थी चाट के लिए, उसको भी मैं चॉप कर लूँगी बारीक मेरे चॉपर में। और यहाँ चटनी के लिए जो पुदीने के 4-6 पत्तियाँ डाली थी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पुदीने का पसंद नहीं किया जाता है, तो 4-5 ही पत्तियाँ डाली थी मैंने अपने गार्डन में से लेके। और धनिया और हरी मिर्ची डाल दी थी क्योंकि हमें तीखी चटनी पसंद है। और साथ में मैंने 1/2 चम्मच जीरा डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा नींबू का रस डाला है। और ये हमारी यहाँ पे चटनी बनके तैयार हो गई है। और साथ ही साथ मैंने आलू भी उबाल लिए थे, तो यहाँ मीडियम साइज़ के 5 आलू है और ये ककड़ी भी मैंने बारीक चॉप कर ली है। तो बस अब हम चाट जो बनाने वाले हैं उसके लिए टिकिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने राजगिरा आटा और सिंगाड़ा आटा बराबर क्वांटिटी में ले लिया है, और उसके बाद ये आलू और 2 छोटी हरी मिर्च मैंने यहाँ बारीक कट करके रखी हुई है, इसको मिक्स कर दूँगी। और आप चाहे तो राजगिरा आटा और सिंगाड़ा आटा जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ आलू की भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास साबूदाना हो तो उसकी भी बना सकते हैं। साबूदाना मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने सिंगाड़ा राजगिरा लिया है। आप चाहे तो खाली राजगिरे की या खाली सिंगाड़े की भी टिकिया बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। और बस मेरे पास यही चीज़ें थी तो मैंने ले ली थी। और आप चाहें तो सिंपल आलू की भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा सिंगाड़ा या राजगिरा मिलाकर, ज़्यादा नहीं मिलाना है, लेकिन मैंने यह ज़्यादा ले लिया है और क्योंकि मेरा ही व्रत था, पर ये लोग बोले कि आज हम भी व्रत का ही खाएंगे, इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। साथ में लाल मिर्ची पाउडर, जीरा और ये मूँगफली दाने बारीक क्रश किए हुए, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और बस इसमें नमक ऐड कर दूंगी और इसका अच्छा सॉफ्ट सा इसको डो तैयार कर लूंगी। डो नहीं बन करना है इसको, अच्छे सॉफ्ट से बिल्कुल पानी से इसको गूंथ लेना है बस। और इसमें मैंने साथ ही साथ 2 चम्मच घी भी ऐड किया है और बस इसको अच्छा सॉफ्ट कर लेंगे हम। आप चाहें तो इसमें पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे पानी से ही गूंथा है। और बस इसको गूंथ के इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियां बनाना है। तो बस यहाँ पे मैंने डोसे वाला तवा रख दिया है और उस पर घी अच्छे से लगा के और जितनी भी टिक्कियाँ अरेंज हो सकेगी वो अरेंज करके और उसको शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और टिक्कियाँ मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई, आप चाहें तो पतली पतली सी पूरी जैसी भी उसे सेक सकते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने शैलो फ्राई किया है क्योंकि वैसे ही बहुत घी होता है खाने में आ जाता है उपास वाले दिन, तो बस ऐसे ही मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। और साथ में यहाँ पे दही है मेरा, दही में मैंने शक्कर डाली है, नमक डाला है और बस इसे थोड़ा सा पानी मिला के और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है।
और जितना भी आपको पतला चाहिए दही उतना पतला कर लीजिए। और ये इधर टिकिया सीख रही है और आज रामनवमी है तो मीठा कैसे ना बने, भगवान को मीठे का ही भोग लगेगा। तो ये मैं यहाँ पे राजगिरी आटे का हलवा बना रही हूँ, शीरा कहते हैं उसे। तो यहाँ घी लिया है मैंने, सारा अंदाज से ही लिया है और बस घी में राजगिरा आटा जो है उसे अच्छे से सेक के उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से फूलेगा। तो वो भी अंदाज से ही लिया है मैंने और उसकी रेसिपी अभी मैंने आपसे शेयर नहीं की है। तो सिंपल सा है, सभी बनाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाया मैंने। तो बस बीच बीच में टिक्कियों को भी अलट पलट करती जाऊँगी और जब अच्छे से फूल जाएगा उसके बाद उसमें आपको शक्कर ऐड करनी है। मैंने यहाँ शक्कर ऐड कर दी है, सारा ही अंदाज वाला काम हो रहा है क्योंकि हलवा जो है वो थोड़ा सा ही बनने वाला है और चाट ही खाने का मूड है आज, तो मीठे की तरफ हाथ कम ही जाने वाला है इस वजह से। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हलवा यहाँ पर बना रही हूँ मैं। तो अब बची हुई टिकिया भी मैं यहाँ सेक लूँगी घी के साथ में। तो अब हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है और टिकिया भी तैयार हो गई है, बस अब हमको खाने की प्लेट ही लगानी है। उसके लिए सबसे पहले जिस कढ़ाई में मैंने हलवा बनाया था उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है और अब इसमें मूंगफली दाने सेक लूँगी, अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी उनको और कुरकुरा सा भूनना है हमको मूँगफली दानों को। तो बिल्कुल बारीक आँच पर ही करना है क्योंकि अगर तेज आंच करेंगे तो मूंगफली दाने जल जाएंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। तो बस मैंने मूंगफली दाने अच्छे से भून लिए हैं और उनको अलग प्लेट में निकाल के गरम गरम होते समय इसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर ऐड करनी है। आप चाहे तो बारीक पिसी हुई शक्कर भी उसमें मिला सकते हैं और जो घी बच गया था मेरा कढ़ाई में उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के वो तड़का जो है वो मैंने दही में ऐड कर दिया है। तो यहाँ मूंगफली दाने भी तैयार हो गए हैं, सारे मसाले अच्छे से उस पर चिपक गए हैं, ककड़ी है यहाँ, दही है फ्राई किया हुआ जीरे और घी की बघार वाला, और ये हमारी पुदीने धनिया की चटनी भी है। तो बस, और यहाँ हलवा देखिए, इतना सा हलवा बनाया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही हम लोगों ने खाया था और भगवान को उसका भोग लगाया था। अब हम यहाँ पे करते हैं प्लेटिंग। तो बस यहाँ दो टिकिया ली है मैंने सबसे पहले, अब उसके ऊपर मैं दही डाल दूंगी अच्छे से। और बारीक कटी हुई ककड़ी ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और आप चाहे तो यहाँ पे अमचूर की या इमली की चटनी भी बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अचानक से इनका प्लानिंग बना कि हम भी आज उपवास वाला ही खाने वाले हैं। तो फटाफट में जो कुछ हो सकता था वो मैंने किया और बस इसके ऊपर चटनी और उसके ऊपर मूंगफली दाने। तो ये हो गई हमारी चाट तैयार, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दी है। तो ये देखिए कितनी मस्त चाट बनके तैयार हुई है और लगी भी बहुत टेस्टी थी, बहुत ही बढ़िया बनी थी। आप मेरे बेटे के एक्सप्रेशन आप ज़रूर देख सकते हैं, उसको मैंने टेस्ट करवाई है। तो बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे बेटे के एक्सप्रेशन देखना मत भूलिएगा। ओके देन, बाय।
बहुत बढ़िया बना, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। सही में अच्छा लगा है? हाँ बढ़िया बना।